दूजा मसला है 50,000 करोड़ का। उन्होंने कहा असीं जवाब देंगे चीफ मिनिस्टर साहब नूं, अज कहिंदे हुण चिट्ठी आ गई, कहिंदे ऑलरेडी उन्होंने चिट्ठी भेजती, वाइल वी आर आपां इत्थे जुड़े हां उन्होंने चिट्ठी भी आ गई। और उस एक सब तो वड्डा प्रोमिनेंट सवाल जिहड़ा मैं उस जदों चीमा साहब ने जिस दिन मैं नवी चौड़ी चिट्ठी भी बनाई गवर्नर साहब के एसोसीएशन लैके, भी गवर्नर साहब ने घट्टो घट्ट एक नैरेटिव बदलता पंजाब के अंदर, लोग पूछन लगे भी 50,000 करोड़ रुपये का हिसाब दो जिहदे करके आ कह रहे हैं। उसके बाद चीमा साहब का एक बहुत बड़ा बयान लग्या सीगा भी असीं 50,000 करोड़ तो 27,000 करोड़ रुपया करजा चुकाता। सब करजा चुकाना ते ब्याज चुकाना दे आर टोटली सैपरेट इशूज। अगर करजा चुकाया होंदा तो 282,000 करोड़ करजा सीगा जिस दिन इन्होंने सरकार बनाई है, 282,000 करोड़ तो 30,000 करोड़ घट कर दो, इहदा मतलब हो गया भी तकरीबन 2-2.5 करोड़ करजा रह जाना चाहिए सी। अच्छी करजा कितने खड़ा है, वड्डी गल है उहदे विच सारे का सारा जिहड़ा कैपिटल एक्सपेंस जिहड़ा मैं इन्हां नूं कहा सी वी पिछले इन्होंने 120 दिनां दे अंदर जिहड़े 12,000 करोड़ रुपये लए सी उस तों सिर्फ ते सिर्फ 900 करोड़ रुपया उन्होंने कैपिटल जिहड़ा कोई इस किस्म के कोई हॉस्पिटल या सड़क या कोई उसारी की हुई किसी काम की कीती हुई सिर्फ 900 करोड़ रुपया उन्होंने इस्तेमाल किया। सारी गल अज चिट्ठी च दोहराणगे, पर मसला है लोगों नूं आ गुमराह करना छड्डण, असल मुद्दे ते गल कर, क्योंकि कर्जा चुकाने वास्ते इन्होंने जिहड़ी स्कीम दित्ती सी भी असीं करीबन 40 तों लैके 50,000 करोड़ रुपया नया रेवन्यू जनरेट करांगे रेते नूं लैके, रेते की प्रॉपर ट्रांसपेरेंट ऑक्शनिंग होगी तो सही पैसा लोगों की जेबां च ना जाके सरकार के खजाने च आऊगा। तो जिहड़ी शराब की बिक्री होंदी है शराब के उत्ते जिहड़ा ठगी होंगे वो बंद करके असं उस 20-30,000 करोड़ रुपये उस कढ़ांगे। शराब का अज क्लेम कर रहे हैं चंडीगढ़ों साढ़े आ रही है, वो मैं बड़ा सीरीयस इल्जाम इन्होंने ला रहा, वो जी अगर शराब इतों कित जा रही है वो भी इन्होंने ऑफिसर साहबान इन्होंने पोलिटिकल पेटने के अंदर उन्होंने जेलों से बैठे जड़े शराब के दूजे किस्म के अपराधी अंसर गैंगस्टर अंदर बैठे है वो उस सारे धंधे को चला रहे हैं, वो भी इन्हों की भाईवाली हैगी। आई कैन प्रोवाइड द टेलीफोन नंबर जेडे किस जेल चो कितों काम कर रहे हैं वो वास्ते भी वो अड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो गल करांगे। बट ना तो वह पैसा आया ना करजा कटिया, तो आ ब्याज चुकाने वास्ते करजा होर सरकार लै रही है, आ पंजाब के वास्ते खतरे की घंटी है जिस तो केजरीवाल साहब भगवंत मान जी ते चीमा साहब लोगों नूं आंकड़े पढ़ा के गुमराह नहीं कर सकते, इन्हां नूं इस गल का जवाब देना पूगा। तीजी गल बड़ी इंटरस्टिंग समय के उत्ते केजरीवाल साहब का आना होया, कुछ दिन पहले केजरीवाल साहब का जो 2-3 दिन पहला सुखपाल खहरा जी की अरैसट हुई उदों केजरीवाल साहब ने दिल्ली में बयान दिता सी भी किसी एक आदमी को शायद पकड़ा गया है उसके बारे में मुझे कोई प्रॉपर जानकारी नहीं है पर मैं उसके कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वो जरा एक आदमी सीगा कल जदों आके बोले है घट्टो घट पंजाब से आ गए, एक सीनियर लीडर जरूर बन गया, जिहड़ा सीनियर लीडर पकड़िया गया घट्टो घट उन्होंने अपने पुराने लीडर ऑफ अपोजिशन एक सीनियर लीडर के तौर पर एक्नोलेज किया, मैं उन्होंने इस गल का भी आभारी हाँ भी एक सीनियर लीडर से जिहड़ा पकड़िया गया। उहदे राही कल जिहड़ा उन्हां दा मैसेज सीगा मैं समझना एक चेतावनी सी कांग्रेस लीडरशिप में, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट गल कही कि जेडे लोग करप्शन ते ड्रग रिलेटेड इशूज जेडे लीडर हैगे इन्हां पार्टियां च उन्होंने बाहर कढ दिओ, सारे नूं बाहर कढो, उन्होंने गिरफ्तार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उहदे ते हुंकारा भी भरवाया उन्होंने। मैं उस गल पर कमेंट नहीं करांगे भी केजरीवाल साहब अपने सिसोदिया साहब से उत्थे जिहड़े मंत्री साहब बैठे इन्होंने इन्हें टाइम तो उहदे वास्ते दसना भुल गए भी उन्होंने तुसीं अज तक क्यों नहीं कढ़िया, पर कांग्रेस वाले ने एक मैसेज उन्होंने क्लीयर दिता, उहदे विच कैच वर्ड जिहड़ा उन्होंने सिर्फ करप्शन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने ड्रग भी जिहड़े लोग
इन्हां दी पार्टी चे ड्रग दे रिलेटेड केस जिन्हां ते हैगे उन्हां नूं बाहर दा रस्ता दिखाया जावे। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।